नमस्कार दोस्तों, आज लाइव आने का दूसरा दिन है। आज मैं फिर लाइव आ चुका हूँ आपके साथ। तो ऐसे ही मैंने आपसे कहा था कि पर डे आठ आठ से 8:30 के बीच में पर डे मैं लाइव आऊँगा, क्योंकि मैं 8 से 8:30 का टाइम इसलिए फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे घर आने में कभी भी लेट भी आता है। तो इसलिए मैंने 8 से 8:30 का टाइम बना रखा है दोस्तों। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीरीज और पैरेलल के बारे में, ठीक है। और कल का जो हमारा सीरीज और पैरेलल जो सर्किट होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और कल जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें हम ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के बारे में बात करेंगे कि ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जो भी दोस्त मेरे साथ, जो भी फ्रेंड मेरे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में आ सकते हैं, देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे एक साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लीज अपना दो साथी जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में बात करेंगे और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जुड़ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, प्लीज़ जुड़िए और चैनल को लाइक कीजिए। मुझे आज दोस्तों लाइक जो भी आ रहा है प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आज हम सीरीज और पैरेलल के बारे में बात करेंगे, सर्किट और सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट कहाँ पर यूज होता है और इन दोनों की दोस्तों ज़रूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ती है। टैग माई ब्रदर, हेलो दोस्त, हेलो, कैसे हैं आप? आज कई दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कई दिनों बाद आपके मैं आपका ये मैसेज देख रहा हूँ। दोस्तों हम आज बात करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सीरीज सर्किट, ठीक है, व्हाट इज सीरीज और पैरेलल के बारे में बात करेंगे हम। और खान साहब, अरे चालू लाइन में कैसे वर्क करें? देखिए खान साहब, आप अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैं आपको अगर 2 महीने पहले की बात बताऊं तो मेरा यह हाथ जल गया था, इसमें यहाँ पर, यहाँ एक एक दो तीन और दो डॉट यहाँ पड़ गए थे हाथ, मतलब अगर मेरे साथ कोई बंदा नहीं होता उस समय तो मैं मर गया था उस दिन। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों सीरीज सर्किट के बारे में, सीरीज सर्किट कैसे बनता है। और कभी भी आपने सुना भी होगा कि हमारे घरों में कहते हैं कि लाइन सीरीज हो गई है, तो उसको कैसे सही करना है उसके बारे में भी इस वीडियो में आज हम पूरी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे सीरीज, सीरीज क्या होता है दोस्तों। सीरीज का मतलब होता है, सीरीज यानी कि पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि सर्किट, सर्किट बनता कैसे है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनता कैसे है। हमारा ये फेज, ये एल लाइन है, ये सिंगल लाइन है दोस्तों, फेस है हमारा ये। जब तक इसको सर्किट को पूरा कैसे होगा, आप लोग भी काम करते हैं, अगर आप कमेंट करके बता भी सकते हैं मेरे कहने से पहले, अगर आप बता देंगे मेरे को और अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, मुझे और मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा दोस्तों। आप कमेंट कीजिए, आप मेरे से, मेरे करने से पहले आप मेरे को बता दीजिए, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, तो बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं पर डे लाइव आऊँगा। तो दोस्तों बात करेंगे पहले सर्किट की। दोस्तों हमारा ये फेज वायर है, ठीक है, जो हमारा एल है, फेज ये लाइन जिसको हम लाइन भी कहते हैं, फेस बोला नहीं जाता, लाइन बोला जाता है, लाइन जिसमें लाइन होती है, जिसमें हमारा करंट दौड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सर्किट कब तक तो पूरा नहीं होगा, जब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम न्यूट्रल से भिड़ा देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसके लिए बीच में चाहिए दोस्तों प्रतिरोध करने वाला, जो इसको रोके और उसका इफेक्ट आए। जैसे कि बीच में अगर हम, जैसे हम ये बल्ब लगा देते हैं और बल्ब को यहां से दोस्तों न्यूट्रल दे देते हैं, तो ये हमारा सर्किट पूरा होता है, ऐसा हमारा सर्किट पूरा होता है दोस्तों। जब हमारा फेस यहां से आएगा, बीच में अगर उसमें बल्ब लगा है या कोई भी हमारा इक्विपमेंट, जो भी हमारे होम अप्लाइंस है, कोई भी इक्विपमेंट लगा है, जब वो मिलता है तब जाके हमारा सर्किट पूरा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीरीज सर्किट दोस्तों, सीरीज सर्किट होता क्या है। और सीरीज सर्किट आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं जैसे गीजर का सही करना है, कुछ भी हमने सही करना है उसको हम सीरीज से चेक करते हैं। हम सीरीज से चेक करते हैं तो सीरीज से चेक हम क्यों करते हैं, हम पैरेलल से चेक क्यों नहीं करते हैं? अगर हमारा कोई हीटर ख़राब होता है या होम अप्लाइंस, कोई भी चीज़, हम आप कभी दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए, सामान अपना जो भी होम अप्लाइंस है उसको सही रिपेयर कराने के लिए, तो सीरीज में चेक करता है, वो पैरेलल में चेक क्यों नहीं करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे सीरीज। तो दोस्तों सीरीज सर्किट क्या होता है, जैसे कि देखिए सीरीज सर्किट आपने कई वीडियो देखे भी होंगे, ये हमारी लाइन है, ये हमारी एल है। आज हम इसको कलर कोड से, हम कलर कोड से बताएंगे क्योंकि आपका भाई सब कुछ खरीद कर आया है, मार्कर भी लेके आया है, ये व्हाइट बोर्ड लेके आया है, शौक है अपने को इसलिए। तो ये हमारी लाइन है, ठीक है, इसमें हम एक बल्ब लगा लेते हैं,
ये बल्ब लगाया हमने, ठीक है, तो इस बल्ब को यहाँ से मिलना चाहिए, अब यहाँ से न्यूट्रल मिलना चाहिए, इसके दूसरे वाले टर्मिनल में यहाँ पर न्यूट्रल आना चाहिए, लेकिन सीरीज में ऐसा होता नहीं है, न्यूट्रल आता नहीं है, तो इसमें हमारा फिर बल्ब आगे फिर बल्ब जुड़ जाता है, ठीक है, फिर बल्ब जुड़ जाता है। और उसके आगे फिर हमारा क्या होता है दोस्तों, हमारा हम एक एक वायर लेते हैं, ये हमारा एक वायर चल रहा है, इसको हमने कट किया बल्ब जोड़ दिया, आगे ले गया कट किया बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से फिर आगे ले गया यहाँ पर बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने फिर फेस नहीं दिया, फिर हमने न्यूट्रल ये फेस चल रहा, हमने फेस में ही लाइन में एक ही वायर में हम सब कुछ जोड़ते चले गए, ठीक है। अब इसको जलाने के लिए अगर हमको इसको जलाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा यहाँ से इस कोने से न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ से हम दे देंगे इसको फेस, ठीक है, यह लाइन हमारी जल जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है दोस्तों, हमारी 230 वोल्टेज इसमें आ रही है ना, यहाँ से 230 वोल्टेज आ रही है, अब 230 वोल्टेज आए तो सीरीज में क्या होता है दोस्तों, 230 वोल्टेज में हमारे तीन के तीन बल्ब 230 वोल्टेज में नहीं चलेंगे। अगर हम 100 वाट के इसमें बल्ब लगा लेते हैं तो हमारे बल्ब ये थोड़ा सा तेज जलेगा या थोड़ी कम जलेगा या थोड़ी कम जलेगा, इससे आगे जाते जाते करंट दोस्तों आगे जाते जाते करंट और कम हो जाएगा। तो क्या उस कंडीशन में होता क्या है, इसको कहते हैं लाइन का सीरीज हो जाना, लाइन सीरीज हो जाती है और पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। अब पहले सीरीज की बात करें तो हम सीरीज की बात करेंगे। अब हम दोस्तों जैसे कि हमारा हम मान लीजिए गीजर का एलिमेंट है दोस्तों, गीजर का हमारा एलिमेंट है, ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ओके। अब हम इसको सीरीज से ही क्यों चेक करते हैं, पैरेलल से क्यों चेक नहीं करते हैं, इसके बारे में बात अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि हम सीरीज से ही क्यों चेक करते हैं, ठीक है। सीरीज से दोस्तों हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर हम इसको पैरेलल में चेक करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चल ही पैरेलल में, ये पैरेलल जो अभी तक ये चल रहा था, जो हमारा जब तक हमारा गीजर चल रहा था ये पैरेलल में ही चल रहा था, ठीक है, पैरेलल में ही चलने की वजह से जब इसमें शॉर्ट सर्किट होना हुआ तो इसके बाद ये बंद हुआ। इसलिए अब हम इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज का प्रयोग करते हैं। सीरीज का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, सीरीज जैसे यही है, हम यहाँ से इसको फेज देते हैं, लाइन देते हैं, और दोस्तों यहाँ से हम इसको डायरेक्ट न्यूट्रल नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ से वायर लिया, बीच में हम एक लगा लेते हैं बल्ब, ऐसे करते हैं आप लोग, इसमें लगा लेते हैं हम बीच में एक बल्ब, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको हम न्यूट्रल देते हैं, क्योंकि बीच में प्रतिरोध करने वाला कोई रुकावट करने वाला होना चाहिए, अगर लाइन में रुकावट करने वाला कोई नहीं होगा तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर बल्ब ना लगे और डायरेक्ट इसको फेज दे देंगे तो ये पैरेलल हो जाएगा और ये सीधे ब्लास्ट कर देगा। प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए ना, जिंदगी में हम लोग काम करते हैं, जब तक हमको दो चार लोग सुनाते नहीं हैं, दो चार लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं, तब तक हमें होश नहीं आती है, उसके बाद ही हम ये निर्णय लेते हैं, फिर जाके हम अगर उसमें काम करते हैं नीला लग के तभी हम सक्सेस होते हैं। तो प्रतिरोध का होना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी में, प्रतिरोध जब तक प्रतिरोध नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी, तब तक हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा, ठीक है, इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा सर्किट सीरीज का, ये हमारा सीरीज का सर्किट हो गया है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे, और काफ़ी लोगों दोस्तों सबको आता भी है, मैं तो थोड़ा सा क्या है कि मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों जो भी आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, एक आध कमेंट जरूर कीजिए कि मेरे को पता चले कौन कौन लोग आ रहे हैं और कौन कौन लोग जा रहे हैं, और आप ही लोगों की वजह से मैं लाइव ये मैंने अपना शुरू किया है, और तभी जोश आएगा ना दोस्तों, जोश आएगा जब दो चार लोग जुड़ेंगे। दोस्तों शेयर भी कीजिए, अगर कोई सीखना चाहते हैं काम तो जुड़ें, और लोग कम हो रहे हैं कोई बात नहीं, करते रहेंगे धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे पैरेलल की बात, सीरीज का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सीरीज का अगर आपको डायग्राम बनाने को मिलेगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप मेरे अगर कोई सब्सक्राइब पढ़ाई करने वाले हैं तो मैं सीरीज का एक डायग्राम आपको बनाता हूं दोस्तों। तो सीरीज का जो डायग्राम बनता है दोस्तों, सीरीज का डायग्राम ऐसे बनाते हैं, और सीरीज का जिसके आपको बताऊंगा दोस्तों मैं, सीरीज का प्रयोग जो होता है, अगर आपको कोई इन्वर्टर दे दिया जाए, ठीक है, इन्वर्टर दे दिया जाए और उसमें आपका इन्वर्टर जैसे कि दोस्तों 48 वोल्ट का है, ठीक है, 48 वोल्ट का है, तो उसमें दोस्तों 12 चौके 48, तो चार बैटरियाँ लगेंगी। अब चार बैटरी आप कैसे जोड़ोगे,
वहां पर जो बैटरी जुड़ती है वो पैरेलल में नहीं जुड़ती है। लाइव डेमो क्या कीजिए, लाइव डेमो भी करेंगे सर, लाइव डेमो भी करेंगे जरूर, लाइव डेमो भी जरूर करेंगे, लाइव वीडियो बना के आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। अभी मेरा ये जो है सेटअप बन रहा है, मेरा सेटअप थोड़ा सा वो हो जाए तो उसके बाद मैं आपको लाइव डेमो करके भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बैटरी होती है, तो आपको 4 बैटरी या 10 बैटरी का अगर बस बार जोड़ना है तो उसमें आप कैसे जोड़ेंगे, वहाँ पर हमारा पैरेलल काम नहीं आता, वहाँ पर हमको बैटरियाँ सीरीज करनी पड़ती हैं। अगर हम पैरेलल करेंगे तो बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी। तो उसमें भी कंडीशन क्या आती है दोस्तों, जैसे कि माना ये लीजिए, देखिए जैसे एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, ये तीसरी बैटरी है, ये चौथी बैटरी है, ये 4 बैटरियां हैं, इसका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो इसको भी दोस्तों हम सीरीज में जोड़ते हैं, हम सीरीज में हम बैटरी को कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है उस कंडीशन में दोस्तों, जो ये माइनस है हमारा, ठीक है हमारा ये इन्वर्टर है, ठीक है इन्वर्टर से हमारी 2 तार आती है जैसे आपको पता है, जो हमारा माइनस है माइनस इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से दोस्तों जो हमारा प्लस है, प्लस हमारा इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद हमें माइनस प्लस को आपस में शॉर्ट करना होता है बैटरी में। जैसे हमारा ये प्लस है, ये वायर यहाँ जुड़ेगी, ठीक है, ये प्लस माइनस में जुड़ेगा और ये माइनस प्लस में जुड़ेगा और ये प्लस माइनस में जुड़ेगा, ऐसा करके सीरीज में हम बैटरी का कनेक्शन करते हैं। ये तो दोस्तों हो गया हमारा सीरीज का। अब हम बात करेंगे पैरेलल का, और पैरेलल हमारा कहाँ पर चलता है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमारे जितने भी बिल्डिंग हैं, जितने भी हमारे काम होते हैं वो सारे पैरेलल में ही होते हैं। हमारे जितने भी काम होते हैं, हमारी बिल्डिंग है, जहां भी लोड का काम होगा, जहां पूरे लोड का काम होगा वो सारा पैरेलल में होगा, ठीक है। कम लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज कमेंट भी कीजिए, अगर आपको और कुछ सीखना है उसके बारे में कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसके बारे में कमेंट कीजिए, ठीक है। और आते हैं तो लाइक भी कीजिए। तो आगे बात करेंगे दोस्तों पैरेलल की। हम दोस्तों पैरेलल क्या होता है, देखिए पैरेलल का सर्किट क्या होता है, ये हमारी लाइन है दोस्तों, एल फेस, ठीक है। यह हमारा न्यूट्रल होता है। इस पैरेलल में क्या होता है दोस्तों, पैरेलल में हम जितने भी बल्ब जलाते हैं, जैसे सीरीज में हमने देखा कि हम एक वायर लेते हैं और उसमें हम बल्ब जोड़ते आते हैं सिंगल वायर में, और लास्ट में हम एक किनारे से उसको न्यूट्रल देते हैं, उसको हम सीरीज कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि वोल्टेज हमारी सारे वायर में, सारे बल्बों में बढ़ जाती है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में क्या होता है, हमने न्यूट्रल दिया, बल्ब लगाया, यहाँ से लाइन दी और बल्ब हमने यहाँ से स्विच ऑन किया और बल्ब हमारा जल गया। इसमें टोटल हमारी 230 वोल्ट चलेगी। जो बंदे काम सीख रहे हैं तो उनके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पैरेलल फिटिंग में क्या होती है। जो हमारे घरों में जो फिटिंग होती है, जो हमारे होटलों में जो भी बड़े जितना भी काम होता है, वो सारा पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या होता है दोस्तों, दोस्तों हमारा जो लाइन होती है वो 230 वोल्टेज में पूरा चलती है। इसमें 230 वोल्टेज का करंट होता है पूरा, ठीक है। अगर पैरेलल में क्या होता है, अगर हम ये बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहां से देंगे फेस लाइन और इस किनारे से देंगे हम इसको न्यूट्रल, तो ये 230 में चलेगा, ठीक है। अगर हमने फिर दूसरा, ये हमारी लाइन आ गई है, ये हमारा न्यूट्रल है, अगर हमने फिर दूसरा बल्ब का जलाना है तो फिर यहां से उठाएंगे हम फेस, बीच में बल्ब लग गया, और यहां से हम उसको डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे, इसको कहते हैं पैरेलल।
क्योंकि पैरेलल में हमको डायरेक्ट कनेक्शन करने होते हैं, न्यूट्रल फेस उसको पूरा चाहिए होता है, नहीं तो वो सीरीज अगर घूम के कहीं से करंट मिलेगा तो वो सीरीज हो जाएगा। हमारे घरों में क्या होता है कभी अभी, अब मैं आपको बताऊंगा, तो आप हाउस वायरिंग का कह रहे हैं, मैं आपको हाउस वायरिंग का बताता हूं। दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आप काम करते हैं घरों में, अगर हमारे प्रॉपर सर्किट अगर घर में नहीं बनते हैं, ठीक है, प्रॉपर सर्किट अगर नहीं बनते हैं, हम न्यूट्रल को कॉमन करते करते चले जाते हैं, जब कभी कहीं पर कोई ब्रेक होती है लाइन, जब किसी सर्किट, जैसे हम ये हमारा कमरा है, ठीक है, और ऐसी हमारे चार कमरे और हैं, उसमें हम सब में अगर न्यूट्रल को क्या करते हैं, कॉमन कर देते हैं, तो कभी जब कहीं से अगर हमने लाइट ऑन करी, हमारा फेस चला और कहीं दूसरे वाले उसमें फेस ब्रेक हो गया, तो हमारी न्यूट्रल के रास्ते फेस बैक चली जाती है, जिसकी वजह से घरों में भी लाइन सीरीज हो जाती है, और जिसको ढूंढना, अगर आप नए नए काम करने वाले हैं तो आपको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, सीरीज का फॉल्ट, जब घर में सीरीज का फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ दूसरी कंडीशन और होती है, कभी भी हमारे घर में लाइट बहुत डिम हो जाती है, उसका कारण ये नहीं है कि वो सीरीज में भी होगा, उसको आपको मेन से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, जब आपका कभी न्यूट्रल में आपका कार्बन आता है तो उसकी वजह से भी लाइन डिम हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, करंट पूरा पास नहीं हो पाता है। तो आज हम एक बात और करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा सर्किट, जब हम सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे आज जो हमारा मेन एमसीबी बॉक्स होता है, ठीक है दोस्तों। हमारे मेन एमसीबी बॉक्स में आप नया काम सीख रहे हैं, आपको पांच कमरों का एक काम मिल गया, पांच कमरों का आपको काम मिल गया, पांच कमरे हैं, लैट्रिन बाथरूम किचन उचन सब है उसमें, तो आप उसमें लाइन कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया आपका जो फंडा है, आपने एक एक कमरे को ले लेना है, आपके पास अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने ये नहीं सोचना है कि यार मेरे पास छह कमरे हैं, ठीक है, तो इस ये टेंशन आपने ये नहीं देखना छह कमरे हैं, आपने ये देखना है कि मैंने हर कमरे को अलग अलग दो तारे देनी है। आपका यहाँ पर एमसी बॉक्स लगा है, माना बाहर एमसी बॉक्स लगाया है, आपके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ कमरे हैं, तो आठ कमरे में दोस्तों आप ले आइए आठ तारे, आठ दुना सोलह तारे, आठ दुना सोलह तारे दोस्तों आपकी चली जाएंगी लाइट सर्किट की, तो यहाँ पर आपकी आठ एमसीबी लगेगी, आठ एमसीबी लगेगी दोस्तों आपकी छः से दस एम्पियर की, आठ एमसीबी आपकी लगेंगी छः से दस एम्पियर, छः से दस एम्पियर की, ठीक है, क्योंकि आठ एमसीबी से आठ वायर जाएंगी आपके सेवरेट फेस जाएंगी, सेवरेट जैसे ये एक गया वैसे ही सारे कमरों में सेवरेट जाएगा, कॉमन आपस में वो कहीं पर भी कट के लूप नहीं होंगी, अगर आप काम करना कर रहे हैं तो आपस में लूप नहीं होंगी, वो आठ जो आपकी एमसीबी होंगी आठ एमसीबी से वो वायर सेपरेट उठेंगे और हर कमरे में जाएंगी, ठीक है, उसको आपने लूप नहीं करना है ऐसी, ठीक है, आपने आठ कमरों को अलग अलग फेस देने हैं, ओके, आपने आठ कमरों को अलग अलग फेस देने हैं, और उसके बाद फिर आठ कमरों को आपने अलग अलग न्यूट्रल देने हैं। न्यूट्रल क्या होता है, एमसीबी में आपका कॉमन होता है ऊपर, उसमें न्यूट्रल का टर्मिनल लगे रहते हैं, न्यूट्रल कॉमन होते हैं, तो वहां से आपने आठ न्यूट्रल भी उठाने हैं, आठ न्यूट्रल भी आपने ऐसे उठा के आठ कमरों में ले जाने हैं। ये दोस्तों आपका है लाइट सर्किट, ठीक है, ऐसे आपने आठ अपने आठ कमरों में आप आठ वायर फेस की आठ वायर न्यूट्रल की लगी, ये हमारा है ठीक है। हाँ अर्थ भी आप एकदम करेक्ट बोले, अर्थ भी अगर आपने अर्थिंग भी वहाँ करनी है, क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मल लोग अर्थिंग कराते नहीं है, अगर अर्थ भी है तो उसमें आपकी आठ तारे अर्थिंग की भी जाएंगी। और एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों आपको मैं, जो हमारी अगर आप अर्थिंग करते हैं घरों में, ठीक है, तो अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग को भी आपने मिक्स नहीं करना है लाइट के सर्किट में और आपके पावर के सर्किट में, आपने अर्थिंग हमेशा, अगर आपने अर्थिंग करनी है तो आपने अर्थिंग भी हमेशा आपके लाइट सर्किट के लिए आपने अर्थिंग यहाँ से, ठीक है, अलग अलग अर्थिंग आपने ले जानी है हर कमरे को, ये लाइट के लिए, लाइट के सर्किट के लिए अलग से वायर डालनी है अर्थिंग की,
इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि हम एक तार ले गए उसी से हमने पावर के सर्किट में ही मिला दिया, उसी से हम उसमें मिला दिया, ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर काम करते हैं, अगर आप दोस्तों अगर आपने किया होगा, अगर आपने जो हमारे PWD के काम होते हैं इनमें प्रॉपर अलग अलग आपका MCB से सर्किट के साथ अगर आपका सर्किट बन रहा है तो सर्किट के साथ उसका अर्थ का वायर भी अलग जाता है, सर्किट के साथ अर्थ का वायर भी अलग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका हो गया लाइट सर्किट, उसके बाद आपने पावर के सर्किट लेनी है, ठीक है। ये आपकी लाइट की DB होगी या पावर की DB, अगर आपके आपका बड़ा 8 कमरे हैं तो दोस्तों 8 कमरों के लिए 8 × 2 = 16, ठीक है। इसमें एक आइसोलेटर लग जाएगा आपका, ठीक है, इसमें आइसोलेटर लग जाएगा, तो आपका दोस्तों ये 8 × 10 = 16 = 17 = 18, तो 18 MCB आपकी, इसमें 16 MCB भी आपकी आएंगी 6 से 10 एम्पीयर की, एक आइसोलेटर आ जाएगा आपका 32 एम्पीयर का आइसोलेटर बहुत होता है, ठीक है, लाइट सर्किट के लिए। और उसके बाद से क्या करना दोस्तों, आपने जो आपका पावर का सर्किट जाएगा, पावर के सर्किट के लिए आपने अलग DB बनानी है। अब होता क्या है कि आपके एक कमरे में कितने पावर आ रहे हैं, अगर आपके एक कमरे में दोस्तों एक पावर आ रहा है तो आपको हर कमरे के लिए पावर लेने की अलग अलग की जरूरत नहीं है, आप एक पावर को 2 कमरों में डिवाइड कर सकते हैं। एक 16 एम्पीयर की MCB से आप 2 पावर की लाइन ले जा सकते हैं, अगर आप 4 mm की वायर डाल रहे हैं, अगर आप पावर सर्किट में 4 mm की वायर डाल रहे हैं तो आप 2 पावर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक कमरे में 2 पावर आई जाती हैं। तो आपने अगर ऐसी आपने 2 तारें पावर की भी ले जानी है, उसके साथ अर्थ की वायर, अर्थ की वायर जो आप ले जाओगे पावर सर्किट के लिए वो अलग से ले जाओगे। अगर आपका 2.5 mm का अगर आप प्रॉपर काम करते हैं तो अगर आपका 2.5 mm का अगर आपका पावर का सर्किट जा रहा है तो 2.5 mm का उसका अर्थ का सर्किट भी जाएगा, अगर आप प्रॉपर काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ चुका होगा, आए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे सेरा भाई हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो कमेंट एक कमेंट कर दे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ इन्वर्टर, देखिए इन्वर्टर सेरा भाई ऐसा होता है, इन्वर्टर का वायर भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन आजकल दोस्तों आजकल होता क्या है, ज़्यादातर इन्वर्टर का DB में कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि जब से LED का जमाना आया है ना, LED की वजह से क्या होता है, लोड बहुत कम होता है, और कमरे में ये तो है नहीं कि आदमी जितने बल्ब हैं सारे ऑन कर रखता है, वो एक दो बल्ब उसके जलते हैं, तो ज़्यादातर लोग आजकल क्या हो रहा है कि सारा हम इन्वर्टर का कनेक्शन DB में भी कर देते हैं। अगर आप DB में करना नहीं चाहते हैं तो फिर तो आपको इन्वर्टर की लाइन ले जानी पड़ेगी। इन्वर्टर के लिए आपने क्या करना है, DB से आपने यहाँ आपने एक ही वायर ले आना हो, कभी भी आप जैसे इन्वर्टर की वायरिंग करते हैं ना तो एक वायर ला के आप MC बॉक्स में डाल दीजिए, MC बॉक्स तक ले आइए, ठीक है। MC बॉक्स में एक MCB लगा दिए इन्वर्टर की अलग से, और जब आप इन्वर्टर लगाते हैं तो सीधा MC बॉक्स में वायर खींचिए और वहाँ पर उस MC में उसको जोड़ दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है। MC बॉक्स में एक बार इन्वर्टर के आप ले गए, ठीक है, और उसको वहाँ पर ये MCB लगा दी और वहाँ से उठा के आपने वो कमरों में डिवाइड कर दी, सर रेंज आप किस में कह रहे हैं, पावर में कह रहे हैं, रेंज कम हो तो आप पावर में कह रहे हैं कि रेंज कम हो तो, मतलब यानी कि अगर आपकी MCB यहाँ पर लगी है और यहाँ पर अगर आपने हीटर चलाना है तो 2.5 mm का तार नहीं लगाया, देखिए ऐसा नहीं है, होने को तो आपको बताऊँ, मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने अपने जो इस घर में वायरिंग कर रखी है इसमें क्या है, देखिए 1.5 mm की वायर में लोड भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है और पावर भी चल रहा है, लेकिन अगर आप किसी वहाँ काम करते हैं तो ऐसा जुगाड़ उसके वहाँ नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर 2.5 square mm का वायर तो डालना ही पड़ेगा पावर के हिसाब से, और नहीं तो होता कि अगर आपके वायर में जोड़ नहीं है, अगर आपके वायर में जोड़ नहीं है तो 1.5 mm के वायर में भी, ठीक है, हम इंटरकॉम की वायर में शादियों का काम करते थे पहले से, इंटरकॉम की वायर में हम हेलोजन जला देते थे और रात भर हेलोजन जलती थी, होने को सब हो जाता है, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका होता है वो प्रॉपर तरीका अपना ही अलग होता है, आप अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो आपके पास काम आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके घर आएंगे, आपके घर लोग आएंगे बुलाने के लिए कि यार हमारा भी काम करना है। अगर हम सोचेंगे कि ये नज़दीक है और वहाँ पर हमने 1.5 mm की वायर में डाल दिया तो वो गलत है,
मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ। सही कहा ना मैंने? तो देखिए, हमें प्रोफेशनल काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से। आपको मैं बताऊं कि जैसे आप ये कह रहे हैं, अगर आर्मी कैंटोनमेंट वगैरह ये जो काम होते हैं हमने किए हैं, मैं आपको साइट की फ़ोटो डालूंगा। मैं हमने कल पोस्टर पे एक इसी चैनल पे ना वो डालूंगा, जहाँ भी काम चल रहा है वहाँ की फ़ोटो डालूंगा। तो दोस्तों वहाँ मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर जो सबमेन पड़ा है, अब सबमेन इसके बारे में आप बात आएगी तो सबमेन का बताता हूँ दोस्तों मैं। अब मैं आपको सबमेन का बताता हूँ। अगर आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोस्तों ये देखिए ये बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ठीक है दोस्तों। ये मैंने खिड़की भी बना दी इसमें, ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा है सेकंड फ्लोर, ये हमारा है थर्ड फ्लोर, ठीक, ये हमारा थर्ड फ्लोर है। अगर 100 मीटर दूर एसी लगा है तो 2.5 पर चल जाएगा, 100 मीटर दूर एसी। अब देखिए एसी, अब आपने एसी का ना, आप एसी आपका कितनी पावर ले रहा है, कौन सा एसी आपका लग रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप वायर कैसा डालेंगे। अगर आप विंडो एसी डाल रहे हैं, वोल्टास के जो विंडो एसी आते हैं उसमें 2.5 एम आराम से काम करेगा। विंडो एसी अगर आप डाल रहे हैं उसमें 2.5 एम के वायर से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं अभी मैं सबमेन की बात कर रहा था ना। अब दोस्तों ये ठीक है, ये बिल्डिंग है, अब इसको हमने पावर सप्लाई देनी है, मेन सप्लाई देनी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर मीटर लगा है, ठीक है। ये मान लीजिए दोस्तों ये 1, 2, 3, ठीक है, ये तीन फ्लैट हैं, ये तीन फ्लैट हैं, तीन फ्लैट के दोस्तों 3 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, 3 मीटर लगे हुए हैं, ठीक है। इसको हमारा सप्लाई मिल गई है, यूपीसी जो भी हमारा जो पावर कॉर्पोरेशन होती है उसकी हमारी सप्लाई मिल गई इसको, ठीक है। और यहाँ से अब हमने सप्लाई लेनी है, यहाँ से सबसे पहले सप्लाई दोस्तों कहाँ जाएगी, सबसे पहले सप्लाई कहाँ जाएगी, अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे को बताइए। हमने हमारी पावर जो आई हमारे मीटर तक आई, सरकार ने हमें मीटर तक पावर सप्लाई दे दी है 230 वोल्टेज, ठीक है, 230 वोल्टेज। लोड के हिसाब से मान लेते हैं, फ्लैट हैं, बड़े लोग खरीदते हैं तो वहाँ 2-3 गीजर भी चलेंगे, एसी भी चल सकता है, शायद हीटर भी चलेंगे, तो 4 किलोवाट का लोड है इसका, 4 किलोवाट का 1 मीटर का लोड है। अब हमने दोस्तों यहाँ से लाइन डालनी है, तो आप लाइन कैसे डालोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप, ये घर है मान लेते हैं, घर के अंदर ये हिस्सा मान लेते हैं, ये इसका MC, इसका DB लगी हुई है, आप यहाँ से डायरेक्ट आप DB में डालोगे, क्या करोगे, प्लीज मेरे साथ जो भी जुड़े हैं बताने का कष्ट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। हमने हमने डायरेक्ट यहाँ से वायर उठा के इसके घर के अंदर डाल देनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो हमारा तरीका होता है काम करने का, मीटर में हमारी 230 वोल्टेज आई है, ठीक है, उसका हमने इस सबसे इस घर को मीटर नंबर 1 हमने इस घर को सप्लाई देनी है, ठीक है, इस घर को सप्लाई देनी है। तो आप बीच में आपका एक सबसे पहले एक दोस्तों एक सब में एक मेन बनेगा, मीटर से आगे एक मेन बनेगा जिसमें आपकी 1 MCB लगी रहेगी। अगर आपका सिंगल फेज का मीटर है तो उसमें एक आइसोलेटर लगेगा कम से कम 63 एम्पियर का, लोड के हिसाब कम से कम 63 एम्पियर का आपका एक उसमें आइसोलेटर लगेगा, ठीक है। यहाँ से हम उसकी सप्लाई लाएंगे यहाँ, ओके, उसके बाद यहाँ से हम उसके घर में सप्लाई देंगे फ्लैट के अंदर, क्लियर, कोई डाउट है दोस्तों बताइए, कम लोग जुड़ रहे हैं, चलो बताते हैं आपको।
क्यों टू अच्छा 2.5 mm के वायर पर नहीं चलेगा ऐसे क्यों क्यों? देखिए आप ये मत समझिएगा कि मैं सिखाने आया हूँ, मैं आपसे सीखने भी आया हूँ, मैं जो मुझे आता है मैं बताने आया हूँ, जो आपको आता है वो मैं सीखने आया हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ अगर हर किसी को देखिए दुनिया में एक से एक लोग हैं और कोई भी इतना नहीं है कि जिसके अंदर सब कुछ जिसको सब कुछ आता हो, किसी को कुछ आता है किसी को कुछ आता है, कोई किसी चीज़ में आगे होता है कोई किसी चीज़ में आगे होता है। तो शेरा सिंह जी थोड़ा सा बताइएगा मुझे, एक्सप्लेन कीजिएगा। जुड़ कम रहे हैं लोग, कम लोग जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, देखिए बात करते हैं हमारा मीटर तक, ठीक है, कॉर्पोरेशन की लाइन हमारे मीटर तक आ गई, मीटर से हमने अंदर दोस्तों बीच में हमने एक आइसोटर लगाना है मीटर के बाद, उसके बाद घर को अंदर को लाइन देनी है, जो हमारा फ्लैट है फ्लैट से मीटर के बाद आइसोटर लगाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कभी अगर माना हमारे घर में सही बात कही हमने रेंज ज़्यादा है, 100 मीटर बहुत होता है, 100 मीटर यानी कि समझ लीजिए कि आपका एक बंडल वायर पूरा लग गया एक वायर में, यानी कि 2 बंडल वायर लग गया आपके, 100 मीटर काफ़ी होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 100 मीटर की दूरी में एसी लगा कौन रहा है वो इतनी दूर। चलो ठीक है, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं कि हमने शेरा सिंह जी देखिएगा ध्यान से, ये हमने इस फ्लैट को लाइन देनी है UPCL से, ठीक है, यहाँ से 2 तारे आई फेस और न्यूट्रल, यहाँ पर हमको एक बीच में दोस्तों एक आइसोटर लगाना पड़ेगा 63 एम्पियर का, अगर आपका 4 किलोवाट का लोड है लमसम, अगर आपका 4 किलोवाट का लोड है तो हमें 63 एम्पियर की MCB यहाँ लगानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम घर के अंदर सप्लाई देंगे, घर के अंदर सप्लाई मतलब जो घर के अंदर हमारी एक DB बनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो हमारे घर के अंदर होगा, उस फ्लैट के अंदर होगा, उसमें हमारा फिर इस जो आइसोटर लगा रहेगा यहाँ से हमारा कनेक्शन यहाँ जाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या होता है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो हमारी DB है, इस DB में जो हमारा लोड है, समझिएगा इस DB में जो हमारा लोड है, माना इसके अंदर दोस्तों हमारे हमारे इसके अंदर सर्किट बने हैं, पावर के भी हैं लाइट के भी हैं। अब जब हमारे घर में सारी चीज़ें चल जाती हैं, समझिएगा जब हमारे घर में सारी चीज़ें चल जाती हैं तो हमारा लोड यहाँ तो दोस्तों अलग अलग पड़ेगा ना, लाइट का लोड लाइट के सर्किट में पड़ेगा, पावर का लोड पावर के सर्किट में पड़ेगा, ओके। अगर लोड बढ़ जाता है दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों, ये वायर गर्म हो जाती है, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये वायर गर्म होने के चांसेस रहते हैं, अगर आपने ढंग की वायर नहीं डाली है तो वायर गर्म होने के चांसेस रहते हैं, नंबर एक तो ये रहता है। नंबर दो क्या होता है, अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी तो ये MCB हमारी बाहर ट्रिप पड़ जाएगी, अगर लोड यहाँ, अब क्योंकि यहाँ से तो 230 वोल्टेज एक वायर में आ रही ना, यहाँ के हमने उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने जो घर के अंदर मेन MCB है बड़ी, जिसके अंदर हमारे 10-15 MCB लगी होगी अलग अलग सर्किट की, तो वो उसमें तो लोड डिवाइड हो गया, लेकिन ये 200 यहाँ तो सिंगल वायर है ना, तो इसके लिए हमें 1 MCB बाहर लगानी होती है। अब बात आती है दोस्तों सब मेन की, ठीक है, तो मीटर से दोस्तों हमको कम से कम अगर 4 किलोवाट का आपका लोड है, 4 किलोवाट का अगर प्रॉपर काम करना है तो कम से कम इसमें 6 mm का, 6 mm का पावर 6 mm की इसमें वायर जाएगी हमारे DB तक इस आइसोलेटर से, जो हमारी ये वायर ये बीच की जो वायर है DB तक जाने के लिए हमें 6 mm की चाहिए कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम की नहीं, एल्यूमिनियम की किलोमीटर तक आएगी, तो इसके बीच के लिए हमें चाहिए कॉपर के वायर, तब जाके हमारा ये वायर अच्छा काम करेगा, सालों साल टिकेगा और गर्म नहीं होगा, राइट है दोस्तों? कोई क्वेश्चन और बताइए, अगर कोई क्वेश्चन है
जुड़े कम लोग हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे मुझे विश्वास है। इसलिए दोस्तों तो सरा सिंह जी आज का लाइव यहीं पर समाप्त करें, बताइए। दोस्तों आज का लाइव करते हैं यहीं पर समाप्त, ठीक है। कल एक ऐसे वीडियो लेके और बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपस में, कुछ हम सीखेंगे कुछ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो बाय, जय हिंद।